देख सकते हैं 6-7 आदमी। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा दिख रहा है नूनू मॉल, लेकिन ना बाप रे हम लोग को डर लगता है। मैं नहीं सुन, तो वीडियो बना रहे हैं अभी चलेगा। तो अभी कितना सुंदर। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल बीजे विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो फुल वॉच करके एंड तक देखिए। इधर देख सकते हैं अभी गोलू और प्रिंस क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आप जाओ, मैं थोड़ा वीडियो एडिट करके ना फिर आता हूँ, ठीक है? इसको देख सकते हैं यहीं पे उठा लाए थे, अब इतना शांत है, बहुत अच्छा डॉगी है। तो अभी देख सकते हैं सारे आदमी जा रहे मेला और मैं भी जा रहा हूँ साथ में भैया भाभी के साथ। चलिए अभी देखते हैं कब तक मेला से घूम के आते हैं और आज जा पाते हैं कि नहीं, सब दिखेगा आपको। देख सकते हैं 6-7 आदमी जा रहे हैं मेला। आए हैं ना, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है मेला, यहाँ से मुझे लग रहा है चाहे आगे से ऑटो ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कौन सी जगह, हाँ ये अभी ऑटो भी आके लग गया, चलिए ऑटो में बैठ जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी पहुँच रहे हैं मेला की तरफ, क्या रोड का लूट है। अभी देख सकते हैं कहाँ पहुँच गए, आज शाम हो गया है दोस्तों, 6:30 करीब हो रहा है। ये कौन सी जगह इतना मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेला जाएंगे। अनिल दोस्तों अभी आसियाना पहुँचे हैं, आप लोग कमेंट करके बोलो कि भैया थोड़ा आसियाना घूम लेना चाहिए अभी। हाँ जी, तो अभी दोस्तों थोड़ा सा दिख रहा होगा लुक मेला का, और वहीं पर जाना है अभी हम लोग को। तो अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, अभी आते हैं तब चलेंगे। तो अभी देख सकते हैं भैया भाभी आगे आगे सब आदमी भी बोलो नहीं करता, इतना सुंदर ये भी जगह है। तुम रोड के चारों बगल पेड़ आ प्लॉट भी इतना अच्छा लग रहा है। एकदम शाम हो गया है दोस्तों, अंधेरा, तो थोड़ा बहुत कैमरा में पता ना आप लोग का अच्छा लगेगा कि नहीं। चलिए अभी कुछ ही देर के बाद मेला में एंट्री होगा हम लोग का, आप देखते हैं कितना सारा, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे आपको जो बिल्कुल अच्छा लगे। हर एक प्लेट के आगे पार्क बना हुआ है, आवाज़ पता ना आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, चारों बगल से गाड़ी जा रहा है ना, तो हल्का हल्का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और थोड़ा बुखार ने ना इतना शरीर डाउन कर दिया, थोड़ा बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग तो करना ही है। जब तक कोई जॉब भी नहीं मिलता, जॉब भी मिले तो फिर भी ब्लॉगिंग करना है, जो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगे, बने रहिए, जुड़े रहिए। लग रहा कोई चीज़ आएगी, हमारे कोई पुलिस वाले खाने दोस्तों लग रहा मेला में एंट्री कर ले। ये देखिए क्या दिख रहा है, इतना सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाउंड्री के अंदर मेला है, हिंदुस्तान महोत्सव ना, सर का क्या का दिख रहा है एकदम मेला में, कितना अच्छा। चल के बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा आपको। अभी ना दोस्तों टिकट लेना पड़ेगा मेला में जाने के लिए, भैया के टिकट लाने, उसके बाद एंट्री करेंगे। अभी ना टिकट काउंटर पर इतना भीड़ लगा है, इतना जल्दी चलेगा, अब यहाँ से देखते हैं वहाँ जा पाते हैं कि नहीं अपने कमरे से। अभी फाइनली टिकट वकट मिल गया, चल रहे एंट्री मेला में, मेला के साथ तो देख सकते हैं दोस्तों मेला में एंट्री हो चुका है। चलिए अभी बाकी सारे आदमी 11 आदमी आए हैं दोस्तों,
इतना जबरदस्त लाइटिंग बहुत मस्त लगा ना प्रिंस, लाइटिंग सही है ना। हाँ गोलू आप जबरदस्त लग रहे हो ना। चलिए अभी कुछ दिन आए हैं, पूरा मेला घूमना बाकी है ना प्रिंस। ठंडा तो नहीं लग रहा है, इतने पब्लिक एक साथ इसमें है। और ये देख सकते हो मेला का लुक दोस्तों, इतना सुंदर लग रहा है। अब बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, आज ना मेला का लास्ट दिन है इसलिए थोड़ा कम भीड़ हुआ है। भाभी कुछ खरीद रहे हैं। मेला का लुक पता ना अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं आसिया है। दोस्तों कैसा लग रहा है मेला का लुक बताइए कमेंट में। हम लोग तो ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं जो आप लोग को भी अच्छा लगे ना। प्रिंस के लिए जॉकेट ढूंढ रहे हैं लेकिन इनके साइज का मिल नहीं रहा दोस्तों, ये बहुत सारा है। अभी काफ़ी देर से मेला घूम ही रहे। ये सब क्या है भाभी प्रिंस, ये सब क्या, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ घर में सजाने वाला, कितना सारा सामान देख सकते हो तो अभी कितना सुंदर फूल, कितना सुंदर इतना अच्छा। अभी दोस्तों आए हैं देख सकते हैं, अभी झुलुआ उलुआ ना बाप रे, हम लोग को डर लगता है, मैं नहीं खेलूँगा। एक बार चढ़ा था थावे में बहुत डर लगा था, इतना सुंदर लुक है दोस्तों। हाँ और दूर दूर तक देख सकते हैं खेलने को। बाप रे कहाँ ले आता पहुँचा दिया प्रिंस बाबू आके, भोजन कब आ गया। अभी लास्ट दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, अभी चलेंगे अपने घर को। आप देख सकते हैं मेला का क्या लूट है, झुलुआ तो गजब का लगा है ना। खाली मेला वाला घूम लिए, देख सकते हैं अपने कमरे को। मेला से बाहर निकल चुके हैं किचन में, तो एक यहाँ भी मेला लगा है लेकिन ये नहीं देख पाएंगे हम लोग जा रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेकिन पेड़ से थक जा रहा है, दिखाई इतना सही से नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अभी आ गए दोस्तों मेला वाला घूम के, बहुत जगह घूमे। अब भैया बोले कि बस अब बहुत तुम लोग घूम लिए, आराम से अब जॉब करो, अब कल जाके ना साइड में बात करेंगे, कल देखते हैं जाते हैं साइड पर। देखो वहाँ तो हो रहा था अभी ना, चलो पहले घर से आओ।
अधर्म का आड़ियों में विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर भवतु। समस्त भक्त जनों से मेरा कर्म है। आरती सुनने के बाद दोस्तों प्रसाद मिला ले थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा सा सोच दिया हूँ जो आप लोग भी अच्छा लगे। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मैं तो शुरू ही ब्लॉग ही करता हूँ, आप लोग देखते ही हैं कितना मैं श्रद्धा रखता हूँ। तो भगवान हमारा भी विनती सुनेगा और बहुत खुशियाँ मेरे जीवन में भी देंगे हमारे बच्चों के। चलिए अभी मैं प्रसाद लेके चलता हूँ रूम के, क्योंकि सुबह से ना निकले हुए थे भाभी भैया मैं मेला घूमने के लिए। अभी हो गया, अब कल जाऊंगा साइड साइड पे। चलिए अभी चलता हूँ अपने। अभी प्रसाद लिया था, भाभी आते ही ना आटा सरना शुरू कर दिए। देखिए अब बाप रे, इतना ठंड लग रहा था। हम लोग सुबह ना स्वेटर वेटर शायद, मैं तो जैकेट पहन लिया था और बाकी ठंड थोड़ा लग रहा था। चलिए अभी रोटी बनना शुरू करती है भाभी, खा बोली प्रसाद। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ब्लॉगिंग किए थे कल, आप लोग कमेंट द्वारा के जाइए थोड़ा भैया मेला भी घूम लीजिए, उसके बाद जॉब करिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए अभी मैं थोड़ा चलता हूँ ना, चाय पत्ती ख़त्म हो गया है। भाभी बोली कि थोड़ा चाय पत्ती लिया दीजिए, मार्केट से चल रहा हूँ अभी चाय पत्ती लिया। और आज ना भैया बोले कि नहा धोवा के रेडी रहना, मैं जब बुलाऊंगा तो साइड पे आना और दो तीन ठेकेदार के पास, क्योंकि ना अभी इलेक्ट्रीशियन का जॉब शायद नहीं मिल जाता। भैया बोले कि कुछ दिन करो और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का जॉब मिलेगा, तो फिर ये छोड़ के उसको पास्ता रहना। अब बाकी तो ठेकेदार में जो भी काम करेंगे तो पैसा अपना जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन का दे ही देंगे। तो ऐसे ही कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सोचेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का ही काम मिले तो फिर नहीं मिल पाएगा, स्थिति अभी समझ सकते हैं। और तीन महीने के बाद उसका शादी ब्याह है, पैसा का कितना समस्या है। खास करके मैं बता दूं दोस्तों, इसी के लिए आया था, दो पैसा कमाऊंगा तो हैप्पी शादी में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, कितना अच्छा सोचे। चलिए अभी मैं थोड़ा चाय पत्ती लेकर आया। अभी नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो गए, कपड़ा भाभी धुल दी है, खाना बना रही है, उसके बाद खाना वाना खा के ना फिर चलेंगे दो चार कंपनी में बात करने, देखते हैं क्या होता है, जॉब मिलता है कि नहीं, क्योंकि अभी दो तीन जगह बात भैया किए थे, अभी जगह खाली नहीं है, लेकिन बाकी बहुत जगह काम चल रहा है, देखते हैं वहाँ बात करके क्या होता है। इधर देख सकते हैं अभी क्या बन रहा है हमारे यहाँ, आलू गोभी बैंगन का सब्जी। इधर चावल बैठाने के लिए पानी लिया लिया है। सुबह सुबह का देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हुआ है आज ना, थोड़ा ठंड कम है, सुबह सुबह ठंड लग रहा था। अभी घर पर बात किया, पटौनी करने गई हैं नगांती जी खेत का, वो जो उधर खेत बोए थे ना आप देखे होंगे इसके पहले वाला ब्लॉग में, रियल लाइफ ब्लॉग से, तो वो खेत उधर पानी दूसरा कोई ले गया होगा पाइप बिछा के, तो मैं बोला था कि आप उधर पाइप कोई बिछाए तो अपना भी खेत पटा लेना तो सही रहेगा, अच्छे से गेहूं होगा तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, धान तो होगा। चलिए आज एकदम कन्फर्म पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में जॉब लगा, लगा भी कि नहीं, नहीं तो कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी चल रहा हूँ ना, वहाँ थोड़ा साबुन छूट गया था जहाँ नहाते हैं, बहुत बढ़िया जगह बना है दोस्तों नहाने की व्यवस्था। यहाँ भी कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। जो अभी भैया इस साइड में काम कर रहे हैं ना, इसके पहले भी शायद बताया था आप लोग से, वो फाइनल चल रहा है,
तो वहाँ पे ना जो भी स्टाफ है पुराना वाला वो सब है, अभी सीट खाली नहीं है। तो भैया कह रहे थे देखो शादी तक जो 3-4 महीना के बाद है कोई ना कोई काम करो जो 2 पैसा आए, आ बाकी ठंड का टाइम है ना तो अलग, भैया कह रहे हैं अलग काम कर पाओगे कि नहीं, जो तुम काम सीखे वो तो मिलना इतना आसान नहीं है, उसको ढूंढेंगे आ देखते हैं मिल पाता क्या नहीं, आ नहीं तो फिर कोई ना कोई जॉब काम ही करेंगे। जॉब तो जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाता इतना हैप्पी हैप्पी करता दोस्तों, मज़ा आ जाता। ये देख सकते हैं अभी कैसे बना है, और इसमें ना एक जगह साफ करके मेरे को रहना पड़ेगा, आ नहीं तो अभी भाभी है तो दूसरे के कमरा में रहते वो अभी गांव गए हुए हैं, आ वो आ जाएंगे तो फिर हमें दूसरा जगह रहना, उससे पहले ही एक साफ सुथरा करके ना उसमें सब खरीद वरीद के, बाकी तो घर से ही लाए थे बिस्तर ओढ़ना बिछावना कोई दिक्कत नहीं है, कट्टा दुनिया भर के चोट वोट सी के उसमें बिछा के साफ सुथरा रखेंगे जैसे ना गांधी जी घर पर अपना सजा कर रखी है, बाकी तो पैसा होगा तो कुछ ना कुछ और गद्दा उद्दा खरीद लेंगे। देखिए पूरा प्लम्बर का सामान कितना सारा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी खाना वाना बन जाता है तो फिर खा के निकलेंगे, जो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कौन कौन सी कंपनी में गया, काम मिला भी कि नहीं, नहीं मिलता है तो फिर देखेंगे और भी प्लम्बर वम्बर का काम, लेकिन करेंगे दोस्तों। यहाँ जब आया हूँ तो शादी में तो जाना ही है, छोटा भाई की जो शादी तय हुआ है, आ उससे पहले नहीं जाना है, ब्लॉगिंग भी करना है आ जॉब भी करना है, तो 2 पैसा थोड़ा इकट्ठा होगा तो हमें कर्ज खोजना नहीं पड़ेगा, जो आप लोग कमेंट में बोले थे कि भैया कर्ज तो बिल्कुल मत लेना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी कर्ज से मुक्त रहेंगे। चलिए आज की वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एकदम अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोग कमेंट द्वारा बताए थे कि भैया थोड़ा वो जो मेला लगा है वहाँ का भी शेयर कर रही, तो कल गए ही थे हम लोग, आज जितना बना पाए उतना बनाए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे एक फिर से नए वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही, टुक टुक 1632, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।